हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स आप सभी लोग देख रहे हैं GameMoDDerEX, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल को इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास में कैसे हम चीट मेन्यू को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड पूरा देखना क्योंकि मैं आपको इस पे इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग एंड यहां तक कि इसके यूजिंग भी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आइए फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर में GTA San Andreas PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से सिंपली एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक्चुअली मैं उस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपने वो फाइल कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ओके तो मैं आपको इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये फाइल होगा, देन आपने जो है इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आप इसको बिल्डर की थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है ना, जैसे ही आप ये तीनों फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने सबसे पहले GTA SA.exe पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर देना है। देन आपने यहाँ पे कॉपी टू गेम फोल्डर पे भी क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने इसको ओपन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने जो है दोनों फोल्डर को साइड बाई साइड ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, इनको यहाँ से कॉपी करना है, या फिर आप सिंपली जो है ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ईजी है, आप अगर इस गेम को अपने इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये देखिए मैं भी इसको पूरी तरीके से इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, आप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आपका ये रिप्लेस हो जाएगा, आपका जो मोड है आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा यूजिंग और इसके सारे गेम प्ले। तो आइए दोस्तों अब हम इसका थोड़ा सा जो यूजिंग है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्रेस करना है CTRL+C, एंड जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा वेपन जो है मतलब आपका चीट मेन्यू स्पॉनर आ जाएगा। देन आपको मैं इसके कुछ को देना बेसिक कंट्रोल्स दिखाता हूँ, जैसे कि आप इससे जो भी चाहे वो वेपन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कॉम्बैट शॉटगन लेकर के दिखाता हूँ, तो विद अनलिमिटेड एमओ भी आ जाएगी है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको भी अब आपने नेविगेट करने के लिए अपने एरो कीज का यूज करना है। फिर आप अपने जो वेदर है वो भी चेंज कर सकते हैं इसी की मदद से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो है वेदर चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये मैंने जैसे कि यहाँ पे वेदर भी चेंज कर लिया है। अब इसके अलावा आप आपके CTRL+C से वांटेड लेवल जो है उसको नेवर वांटेड पे सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पीछे काले कुछ भी क्यों ना हो जाए पुलिस नहीं पड़ेगी जी। आप ये भी 100% वर्किंग है। इसके अलावा टाइम चीट्स के थ्रू आप जब जैसे आप टाइम स्टॉपर यूज करेंगे तो आपका जो टाइम है रुकेगा और आपने जहाँ पे भी जाना होगा अब वहाँ पे जा सकेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होंगे यहाँ पे पैच चीट जिससे आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो, जैसे कि रिक्रेट एलिवन विद AK-47। चलिए ये जो है ये कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एच प्रेस करते हैं, एच या जी कुछ भी प्रेस करना होगा, तो जिससे इन सब के पास एक AK-47 आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप इसे व्हीकल चीज में जाएंगे तो यहाँ पे भी ये देखिए फ्रेंड, इसके बाद भी रॉकेट आ चुका है। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप मर्जी करें, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसमें काफ़ी सारे व्हीकल्स को स्पॉन भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी स्पोर्ट्स कार स्पॉन करवा के दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल चीता, एंड इसमें मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हम जो है आराम से चीता में बैठ। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारे कूल फीचर्स जैसे कि प्लेयर चीज, इसके आप थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इन्फिनाइट रन हो गया, इन्फिनाइट हेल्थ हो गया, यानी कि आप काफ़ी कुछ है। ट्रैफिक चीज से आप जो है यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, एग्रेसिव ड्राइवर्स से होगा कि सारी कार तेज चलेगी। फिर आप यहाँ पे गैंग चीज भी करा जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्पॉन बालाज, तो ये हमारे बालाज यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। इसके अलावा मिस सेलेनस भी बहुत अच्छी चीज है जिसमें जो है हो रहा है, एंड मैं इसके मैप में आने के बाद यहाँ पे मान लीजिए एक मार्कर लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो ये देखिए हम जो है हमारी लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे कूल फीचर्स मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना एंड इस चीज़ को डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, चलिए अगले वीडियो में।